दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व उप कप्तान डेविड वार्नर ने बॉल टैंपरिंग मामले में माफी मांगते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, सिडनी में शनिवार सुबह हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्नर ने नम आंखों से साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूलैंड टेस्ट में हुई बॉल टैंपरिंग के लिए खेद जताया। उन्होंने हालांकि खेल से रिटायरमेंट की संभावना भी जताई और साथ ही शपथ ली कि वे ऑस्ट्रेलियाई पब्लिक से माफी मांगने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो 12 महीने के प्रतिबंध के बाद अपने आप को किसी और रूप में देखेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि एक अब मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका कभी मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि शायद वह दिन अब कभी ना आए। बॉल टैंपरिंग मामले में वार्नर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके साथ ही उन पर 12 महीने का प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इसके अलावा वार्नर को इंडियन प्रीमियर लीग सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी से हटना पड़ा था और अब उन्हें पूरे आईपीएल से निलंबित कर दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये भी साफ किया कि डेविड वार्नर संन्यास ले या ना लें, उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान या उप कप्तान कभी नहीं बनाया जाएगा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वार्नर लगातार माफी मांगते रहे। बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद वार्नर पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, भले ही आप क्रिकेट फैन हो अथवा नहीं, मैं आप सबसे अपने काम द्वारा देश की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए माफी मांगता हूँ। मैं क्रिकेट के जरिए अपने देश के लिए सम्मान अर्जित करना चाहता था। उन्होंने कहा कि बतौर उप कप्तान वे अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे।